बंद क्यों नहीं हो रहा? ये तो हमसे बंद ही नहीं हो रहा, क्या करें? और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास पूजा में पहनने को। हमारे सारे कपड़े तो पप्पी वाले घर पे हैं। पप्पी के घर जाएं क्या? नहीं नहीं पारो, पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? हम पप्पी के घर नहीं जा सकते, उसको उसकी सजा मिली है इसलिए वो जेल में है, हम वहां नहीं जाएंगे। तो अभी हम क्या करें, कैसे जाएं नीचे? हमारे पास तो कुछ भी अच्छा पहनने को नहीं है, और अगर हम इन कपड़ों के अलावा कुछ पहनेंगे ना तो सबको बुरा लग जाएगा। अरे पारो जल्दी आ जा, कहां रह गई? पूजा का समय हो गया है और हमको ये पूजा करनी है। शंकर और अपनी शादी बचाने के लिए हमें इस पूजा में बैठना होगा, वो सिंदूर लगाना ही होगा। जल्दी से, हो ही नहीं रहा है, पूजा में देरी ना हो जाए, क्या करें? पप्पी जेल से बाहर आ गया है जीजी। आज एक भी मौका नहीं छूटेगा तुम्हें बर्बाद करने का पारो। तुम्हारा सिंदूर और शादी दोनों का सच सबके सामने आएगा। अरे पारो आओ, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की। कहाँ रह गई थी? खैर कोई बात नहीं, चलो जाओ जाओ। शंकर के पास जाकर बैठते हैं, वहीं अपना सिंदूर छुपा के लगा लेंगे। अरे रुका, कहाँ चली? ला इस सिंदूरदानी हमका दे और तू जाके मेहमानों का देख, चाय नाश्ता पूछ, चल जा। आएगा जब सबके सामने तेरी इज्जत खराब होगी नौकरानी, क्योंकि तुझे ब्लाउज देने से पहले मैंने उसकी डोरियां तोड़ दी थी। ईका जल्दी कर, कछुए की चाल काहे चल रही है? चाचा चाय नाश्ता पूछ। आधे अधूरे काम करती हो, सुनाई नहीं दिया बुआ ने क्या कहा? चलो सबको सर्व करो। सबकी सेवा में तेरे हाथ इतने बिजी रहेंगे कि तू बेचारी अपनी इज्जत संभाल नहीं पाएगी। मजाक बने सबके आगे तेरा तो मुझे मजा आएगा। जेल से आजाद तो हो गया,
अब इस पारो को इस घर से आजाद करके लेके जाएंगे। उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जल्दी कर, पूजा शुरू होने वाली है। पूजा शुरू होने वाली है। हम तो शंकर की पत्नी ही है ना। काश हम इस पूजा में उनके साथ बैठकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर सकते। काश उनके हाथों से अपनी मांग इस सिंदूर से भर सकते। फिर से सिंदूर लगा लिया इसने। एक ही बात के लिए कितनी बार मना करना पड़ेगा इसे। सॉरी, कंफ्यूजन हो गई थी। समझने के लिए थैंक यू, और मेरे कहने पर सिंदूर हटा दिया उसके लिए भी थैंक यू। शंकर, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि हम दोनों की। पारो, ए पारो, क्या समय की बर्बादी है ये पूजा। सीधा अटैक करके हम नागमणि क्यों नहीं हासिल कर लेते। कोशिश की थी ना, कुछ हुआ। पता नहीं कब खत्म होगी ये पूजा। ओम त्रिगजाननम भूतगणाधिशेपदं कृतयम्बु फलचारु वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकमहं विघ्नेश्वर पादुमंगलम्। सरकार, आप अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। जी मोहिनी, क्या करती हैं आप? यही हैं? वहाँ पूजा जोड़ियों के लिए हो रही है, और आपके बिना हमारी जोड़ी अधूरी है। आइए ना। इन्हें कौन समझाए, अगर चुड़ैल पूजा में बैठेगी तो राख बन जाएगी ना वो। मोहिनी, मोहिनी क्या हो गया?
ठीक है? या ये क्या हो गया? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ? सांस लेने की कोशिश कर रही हूँ, प्रॉब्लम हो जाती है, यही रुकिए ना। हाँ हाँ, हम यही हैं मोहिनी, तुम्हारे पास आराम से। अरे पारो, पप्पी तुम यहाँ? तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद? पर तुम तो जेल में थे ना? दुनिया की कड़ी से कड़ी सलाखें भी इस सासी को उसकी महबूबा तक पहुंचने से नहीं रोक सकती पारो। अरे का हो गया, इतनी भूली काहे बन रही हो? हाँ, तुम्हें तो छुड़ा के लाई हमें जेल से। इतना प्यार करती हो हमसे पगली, हाँ? बताया काहे नहीं? कहा बोल रहे हो, हम छुड़ाएंगे तुमको? हम कोई भौंग पी के नहीं बैठे हैं कि तुमको छुड़ाने की बेवकूफी करेंगे, समझे? देखो, हम कोई तमाशा नहीं चाहते हैं। जाओ यहाँ से, जो हमने कहा। ओ, अब समझे, हाँ? हवेली के अंदर हमें नाप पसंद करने का नाटक करती हो ना, हाँ? है? और हवेली के बाहर गुटरगू। चलो इसके लड़ाए सनम। पप्पी देखो, हम कोई तमाशा नहीं चाहते, इस वक्त पूजा चल रही है वहाँ पे, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, हमें पूजा में बैठना है, समझे? अरे सब छोड़ो, घर जाके बताएंगे। छोड़ो? अरे घर जाके बताएंगे, छोड़ो। अब होगा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू। क्या कहा? अध्याय? जी अध्याय। इस अध्याय में मैं आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरूंगी। हम कितने खुशकिस्मत हैं मोहिनी, जो तुम हमें मिली हो, कसम से। पंडित जी, पूजा खत्म हो गई हो तो आगे का कार्यक्रम शुरू करें। अब हर सुहागन अपनी आँख बंद करके प्रार्थना करें, अपने पति और अपने रिश्ते की लंबी उम्र के लिए, और फिर उसके बाद इस पवित्र सिंदूर से सभी पति अपनी पत्नियों की मांग सजाएंगे, जिससे उन दोनों के रिश्ते जन्मों जन्म तक बंध जाएं। नहीं भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, ये पूजा हमें करनी ही है, अपने शंकर के लिए और उस चुड़ैल से शंकर की जिंदगी को बचाने के लिए। ज्योति, हमारी तो शादी हुई ही नहीं, तो फिर ये सब गलत है। ओ कम ऑन शंकर, यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि हम नाटक कर रहे हैं, तो हमें ये रस्म घर वालों के सामने पूरी करनी होगी, तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए। कहीं दिख नहीं रही पारो? हमें कैसे भी करके वो पवित्र सिंदूर अपनी मांग में भरनी है, पर इससे पीछा कैसे छुड़ाएं? पारो, ए पारो रुक। कहाँ रह गई थी? कोई बात नहीं, एक काम करो, वो जो सिंदूर बनाया है तुमने, वो सारी सुहागनों को दे दो, उनके सुहाग की लंबी उम्र के लिए। अब आप सब अपनी आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक ईश्वर से पूरी निष्ठा के साथ प्रार्थना कीजिए। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यति पूजितम मया देवः परिपूर्णतदस्तु मे। एक गजब, भोलेनाथ ने तो अपने आप रास्ता बना दिया। अब हम सबकी आंखें खुलने से पहले ना सिंदूर लगा लेते हैं। ये मौका नहीं पारो, मेरा बिछाया हुआ जाल है जिसमें तुम फंसती जा रही हो। पारो भाग काहे गई? वो तो हमसे प्यार करती है, अभी जाके बात करते हैं। अरे गिरा दिया। बबली ए, रुको रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गंदे आदमी? रुको,
अभी मैं जाके भैया को बता के आती हूँ, बहुत मार पड़ेगी तुम्हें, रुको बता के आती हूँ। सहरी को पता चला तो फिर भगा देगा हमें। अरे रुको 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 रुको, बात सुनो हमारी, हम तो तुमसे ही मिलने आए थे, तुमसे सारी कहना था ना। सॉरी, कसम से आज तो बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम। सच्ची? चलो ठीक है, माफ किया, बाय। बच गए, वरना बहुत कुटाई होती आज। अरे काहे परेशान हो रहे हो पारो भिखारन के पीछे, हम तो कहते हैं कुनो बड़ा हाथ मारते हैं, काहे नहीं वो पगली को ही उठाए ले ना। माँ, पारो ही हमारी पत्नी बनेगी बता रहे हैं, और ये बकवास बातें ना किया करो। धन्यवाद भोलीनाथ, ये मौका हमको प्रदान करने के लिए। अब वो होगा जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था, शंकर के नाम पर सिंदूर सबके सामने आने का वक्त आ गया है, और मेरी जादुई मिर्ची से बना सिंदूर तेरा ये सच आज सबके सामने लाएगा। पारो मुड़ी और उसकी सिंदूर वाली मांग सबके सामने। हम है पारो के पति, हम है पारो के पति। कुछ गलत नहीं होगा पारो, मैं कुछ होने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। इस शंकर को भी चैन नहीं है, हमेशा बीच में कूद पड़ता है, क्या जरूरत थी नौकरानी की इज्जत बचाने की। इसका सिंदूर सबके सामने आना था, ये क्या नया ड्रामा है। चीची, कहीं इस बार भी आपका पैतरा धरा का धरा ना रह जाए। ऐसा नहीं होगा। पारो पहले तुम अपना मुंह धो लो। आओ यहाँ। बेहतर है। धन्यवाद शंकर, आपने हमारी इज्जत बचा ली। अब आया ना असली मजा। ये क्या पारो,
मैंने मना करने के बावजूद तूने इसे तो फिर से लगा लिया। क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ? हाँ? ईका, तूने फिर से सिंदूर लगा लिया? अम्मा, ये देखो, इसने फिर से सिंदूर लगा लिया। ये तो आज वाला पवित्र सिंदूर है। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी कुंवारी होकर सिंदूर लगाने की? हाँ, रोज नया बखेड़ा, रोज नया बखेड़ा। अरे तोरा के चैन काहे नहीं आता है? हर पूजा हर रसम तुम खराब कर रही हो। जाती क्या हो? बोलो पारो, क्यों लगाया तुमने ये सिंदूर? हाँ, जवाब दे के पड़ी पारो। मैंने कहा था तुमसे इससे दूरी बना के रखो, अब देखो क्या हो गया। बस बहुत हो गया। शंकर, नहीं। हमारी मांग में हमारे पति के नाम का सिंदूर है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। कोई नहीं। पति? कौन सा पति? पारो, कौन है तेरा पति? बस इसी सिंदूर को तो हटाना है मुझे आज, फिर नागमणि मेरी। जवाब दो, बोलो पारो। अरे कुछ बोलोगी कि कौन है तुम्हारा पति? मुंह में दही जमाई है क्या तुमने? हम है पारो के पति, हम है पारो के पति, हम है पारो के पति। बस इसी सिंदूर को तो हटाना है मुझे आज, फिर नागमणि मेरी।